बज़्मे रज़ाए ताज मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी ने मुस्लिम समुदाय के 55 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया। बज़्मे रज़ाए ताज मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी ने आज मुस्लिम समुदाय के 55 लोगों का सामूहिक विवाह करवाया। सीआरडी ऑफिस जाफर नगर स्थित उत्सव लॉन में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सोसाइटी की ओर से हर जोड़ी को उपहार दिए गए। समारोह में मौजूद लोगों ने भी सारे उपहार जमा कर सोसाइटी की मार्फती जोड़ों को सौंपा। दरगाह हजरत मीर मछली शाह जुमा तालाब भालदारपुरा स्थित सोसाइटी की ओर से पिछले 14 सालों से सामूहिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सोसाइटी अब तक 727 जोड़ों के विवाह करा चुकी है। सोसाइटी हर साल सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करती है, जिसमें गरीब से लेकर संपन्न वर्ग तक के लोग अपने बच्चों का विवाह इस समारोह में कराते हैं। वर्ष 2007 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले केवल 10 जोड़ों का विवाह करा गया था। सर्वाधिक 141 जोड़ों का विवाह वर्ष 2011 में करा गया था। इस वर्ष दो दफा जनवरी और नवंबर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था। जनवरी में जहां 67 जोड़ों का विवाह करा गया था, वहीं नवंबर में 75 जोड़ों का विवाह करा गया था। केवल वर्ष 2014 में ही किन्हीं कारणों से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन नहीं किया जा सका था। वर्ष 2008 में 28, 2009 में 35, 2010 में 57, 2012 में 70, 2013 में 67, 2015 में 63, 2016 में 48, 2017 में 50, 2018 में 53, 2019 में 50 जोड़ों का विवाह करा गया था। आयोजन को योजनाबद्ध रूप से संपन्न कराने के लिए सोसाइटी की ओर से अलग अलग कमेटियों का गठन भी किया गया था। ऑब्जर्वेशन एंड एडवाइजरी कमेटी में मौलाना हाजी रशीद खान कलंबर साहब, हाजी सैयद सज्जाद अली साहब, हाजी नूर साहब, हाजी सलीम सोफी साहब, हाजी मुजफ्फर वास्ती साहब, हाजी अब्दुल खलील बुरहानी साहब और जनाब सैयद जावेद अली साहब शामिल थे। दूसरी कमेटी समारोह के इंतजाम के लिए थी। इंतजामिया कमेटी में मौलाना मोहम्मद रफीक आलम नूरी, मोहम्मद हनीफ अशरफी, सैयद अशफाक अहमद, परवेज खान पप्पू भाई और फिरोज रशीद खान थे। इसके अलावा हाजी करीम अशरफ, मिर्जा अतीक बेग, शेख याकूब, जैनुल आबेदीन, हाजी मोहसिन पटेल, शहजाद खान और हाजी नजीर खान इस कमेटी के सदस्य थे। मैं बज़्मे रज़ाए ताज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सरपरस्त की हैसियत से आपको कह रहा हूँ कि इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये 15वां साल है, और हर साल जो है अल्लाह के करम से तमाम हमारे जो डोनर हैं इन तमाम के जो है सहयोग से ये प्रोग्राम हो रहा है, और हर साल 50, 60, 70 जो है अल्लाह के करम से शादियाँ होती है यहाँ पे, और इस साल जो है 55 शादी का एहतमाम हुआ है पुलिस लॉन के अंदर में, और बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ। इसमें जिन तमाम हजरात में जिन लोगों ने भी हमारा दामे दिरमे कदम सुकने हमारा जो सहयोग किया उन तमाम लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये प्रोग्राम जो है कौम में जो फजूल खर्ची है उनको रोकने के लिए, और जो हमारे लोगों को जो तकलीफ़ होती है, शादियों की जो दिक्कतें आती हैं, इन तमाम को देख के मद्देनज़र रखते हुए इसके लिए रखा गया है। और जो प्रोग्राम जो है इसमें हर चीज़ हम देते हैं, तमाम जो है सामान जो है बच्चियों को जो हर चीज़ का जो ज़रूरत के जो सामान वो सब दिए जाते हैं। और इस साल 55 जोड़ों का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, इस साल जो है 727 शादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह 15वें साल में हमारी हो चुकी है। अल्लाह ने चाहा तो अगले साल जो है 786 हम इंशाल्लाह करेंगे। और तमाम जितने भी आए हुए तमाम मेहमान और तमाम ही लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और उनके जो तआवुन किया अल्लाह ताला तुम तमाम की तमाम परेशानी मुसीबत तमाम दूर फरमाए। बस ये कह के मैं शब्द खत्म। इस्तेमाई शादी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये जो मेहनत करते आ रहे हैं 2007 से अभी तक, मैं समझता हूँ कि 750 शादियाँ अभी तक इन्होंने करा चुके हैं। और ये जो शादी है नागपुर शहर के आसपास जितने भी तमाम इलाके हैं वहाँ से जो गरीब फैमिलीज जो रहती है जो शादी नहीं करा पाते हैं अपने बच्चियों की, तो वो ये शादी यहाँ होती है, ये लोग इंतज़ाम करते हैं। और ये एक जो एक शादी कराना एक हज का सवाब होता है, तो इन लोगों ने ये जो पूरी जो कमेटी इन्होंने जो बीड़ा उठाया ये काम करने का, एक्चुअली ये काबिले तारीफ़ है। और इनको मैं हम सभी लोगों की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो शादी का जो अरेंजमेंट है जो भी है आप देख रहे होंगे 55
जो आज जोड़ों की शादी हुई है, 55 जोड़ों को जो घर गृहस्थी में जो चीज़ें लगती हैं उसका पूरा का पूरा इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है, तो ये वाकई में काबिल तारीफ़ है और ये आगे भी चालू रहेगा ऐसे मुझे उम्मीद है, क्योंकि पिछले 15 सालों से चालू है और आगे भी चालू रहेंगे और हम लोग इनके साथ हरदम है और हरदम रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम एडवोकेट आसिफ शौकत कुरैशी। वालेकुम, मैं सैयद अशफाक अहमद, इस्तेमाई शादी बज़्म रज़ा ताज कमेटी, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ और ये 2007 से हमारे ये इस्तेमाई शादी चालू हुई है, उसमें हमने पहले 10 जोड़ों से स्टार्ट करे है, ऐसा करते करते अभी 727 जोड़े तकरीबन हो चुके हैं हमारे यहाँ पे और माशाल्लाह बहुत अच्छा कार्य प्रोग्राम करते हैं हम लोग, खाने का इंतज़ाम, जायज का तोहफे का इंतज़ाम करते हैं, हर चीज़ यानी जो दूल्हा दुल्हन को लगती है वो चीज़ को हम यहाँ पे देते हैं उनको और सब हमारे आसिफ भाई इन लोग सब पूरे जन जो तस्लीम भाई हो गए जैसे सभी जन हमको कॉपरेट करते हैं, तैयब भाई ऐसे सभी यानी डोनर है हमारे कमेटी में, हमारे हनीफ भाई है, मौलाना रफीक आलम साहब है, परवेज भाई है, अतिक भाई है, कलीम अशरफ साहब है, मुजीब भाई है, ऐसे सब पूरे कमेटी हमारी जो है वो 3 महीने पहले से मेहनत करती है और उसमें जुट के काम करती है और दिन रात एक करके माशाल्लाह ये काम को अंजाम देती है और शहर के कौम के लोग भी इसमें इसमें कौम के जितने भी लोग हैं वो हिस्सा लेते हैं और अपने और पूरे इंडिया से माशाल्लाह यहाँ पे जोड़े आते हैं, पूरे इंडिया से यहाँ पे जयपुर का जोड़ा है, तुम्हारा रायपुर का जोड़ा है, दुर्ग का जोड़ा है, शिवनी का जोड़ा है, ऐसे तकरीबन तमाम नए एरिया से हमारे पास में जोड़े आते हैं। हम लोगों से इल्तिमाज करते हैं कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फोन करें, हिस्सा लें हमारे आपके चैनल के माध्यम से, माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है और ये अच्छा चलते रहे और सभी ने इसको देखे पसंद करे, ये मेरी विनती। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।